लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, प्रशांत भारती रूबरू में आप सबका स्वागत करता है। ग्लैमर वर्ल्ड, चमक दमक की एक अनोखी दुनिया, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने लुभाने के लिए अपनी एक खास पहचान रखती है। मगर इधर कुछ महीनों से चमक की इस दुनिया पर मौत का शिकंजा कसता जा रहा है। इस वर्ल्ड से जुड़ी कुछ नामी गिरामी हस्तियों की लगातार हो रही हत्याओं के सिलसिले से आज पूरा देश सकते में है। इन हत्याओं को अंजाम देने वालों पर कानून की भी कोई खास पकड़ दिखाई नहीं दे रही है। दिल्ली के एक होटल में एक मॉडल मनीषा लाल के साथ एक शख्स ने छेड़छाड़ की। मनीषा के विरोध करने के बाद नशे में धुत उस शख्स ने उसे गोली मार दी और इस कत्ल को अंजाम देने वाला राजनीति से जुड़े एक शख्स का बेटा था। कहा जाता है कि ये वारदात एक तरफा प्यार का नतीजा है। ये हिरनी जैसी चाल, देखा जो तुझे जानम हुआ है बुरा हाल। ये काली काली आंखें, गोरे गोरे कान,
जैसी चाहत। अदिति भटनागर, एक मशहूर जर्नलिस्ट जिसने भ्रष्टाचार और बुराइयों के खिलाफ एक लड़ाई छेड़ रखी थी। नतीजा, कई राजनीतिक हस्तियां उसकी दुश्मन बन गई थी और एक दिन अदिति के घर में घुसकर कुछ लोगों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली का एक 5 सितारा होटल, ग्लैमर की दुनिया से जुड़ा एक नाम शालिनी सिंह, इसे भी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया और यहां भी नाम उछला एक बहुत बड़े नेता के बेटे का। हाल फिलहाल हमने इस नेता का नाम एक बहुत बड़े घोटाले से जुड़ा देखा है और सूत्र कहते हैं कि शालिनी को इस नेता के बारे में जरूरत से ज्यादा जानकारी थी। अंकिता त्रिपाठी, मशहूर कवियत्री, एक बड़े राजनेता के साथ प्रेम संबंध। एक दिन अंकिता को उसी के घर में बेरहमी से मार दिया गया। घटना के बाद जांच से ये बात भी सामने आई कि अंकिता उस शख्स के बच्चे की मां बनने वाली थी। और इस कड़ी में एक नाम और जुड़ गया, पत्रकार अंजलि मुखर्जी का। इस हत्या के साथ जनहित पार्टी के नेता रमाकांत मालवीय जी के नाम भी जोड़ा जा रहा है। आज रूबरू प्रोग्राम में हमारे साथ रमाकांत मालवीय जी मौजूद हैं। वेलकम टू द शो सर। सर, इस बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं, नाम जोड़ने का क्या है, किसी का भी नाम जोड़ सकते हैं, कोई पुलिस थोड़ा पकड़ती है। लोकतंत्र का जमाना है, सबको बोलने की आजादी है। फिलहाल इस मामले में मैं चुप ही रहूं तो ठीक होगा। मगर आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके चुप रहने से उन लोगों को बल मिलेगा जिन्होंने आपको इस मामले में घसीटा है? कुछ हाथ नहीं आएगा इनके। ये लोग एक ईमानदार और सच्चे पत्रकार की मौत का राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं, वैसे ही जैसे आप लोग स्टिंग ऑपरेशन करके अपने चैनल की TRP बढ़ा के फायदा उठाना चाहते हैं, वैसे ही ये राजनीतिक पार्टियां इसकी मौत का फायदा उठाना चाहती हैं। मुझे दुख है इस बात का, बहुत अफसोस है मुझे। आपके कहने का मतलब है कि आपको बदनाम करने की साजिश है? बिल्कुल। पर सर, आपकी पार्टी में और भी तो मेंबर्स हैं, सिर्फ आप ही का नाम क्यों जोड़ा जा रहा है अंजलि मुखर्जी के साथ? मैंने कहा ना, राजनीति है। आप लोगों के पास राजनीति शब्द बहुत बड़ा हथियार होता है। पहले भी कई नेतागण यहां बैठकर ऐसी ही बातें कर चुके हैं, मगर आपको लगता नहीं कि शब्द का इस्तेमाल आप लोग मुद्दे से भागने के लिए करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस इंक्वायरी कर रही है, सच्चाई सामने आ जाएगी और जनता को सब पता चल जाएगा। अच्छा, ये बताइए, आने वाले इलेक्शंस में आपको इस बात से कितना फर्क पड़ सकता है? इससे बचने के लिए आपने क्या तोड़ निकाला है? मुझे इस बात का कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, जनता का विश्वास मेरे साथ है। और अपने पॉलिटिकल करियर में इस तरह की कई नौटंकियां झेली हैं मैंने। ओके रमाकांत जी, हमें यह चर्चा यहीं खत्म करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे प्रोग्राम का समय अब समाप्त हो चुका है। जनता के जिस विश्वास की बात आपने की है, आशा करता हूं वो आपको मिले। रूबरू में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। रूबरू में हमसे रूबरू हो रहे थे राजनेता रमाकांत मालवीय जी, जिनका नाम अंजलि मुखर्जी की हत्या के साथ जोड़ा जा रहा है, जिसे वो पूरी तरह से बेबुनियाद बताते हुए कहते हैं कि अपने राजनीतिक करियर में ऐसी नौटंकियां उन्होंने कई झेली हैं। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ और उन सारे सवालों के साथ जो आपके दिलों में उठते हैं। मैं प्रशांत भारती आपसे लेता हूं विदा। आप देखते रहिए
रियलिटी ऑनलाइन। लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड द नेक्स्ट कंटेस्टेंट इज कंटेस्टेंट नंबर 31। थैंक यू। ब्यूटी आपकी नजर में क्या है? ब्यूटी मेरी नजर में इंसान की अंदर की खूबसूरती है। आप बाहर से खूबसूरत हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है अंदर से खूबसूरत होना। आप शांत हैं, आप अच्छा सोचते हैं अपने बारे में, दूसरों के बारे में, आप पॉजिटिव हैं, आप में विश्वास है, आप भावुक हैं, और इन सब से बढ़कर आप दूसरों की कदर भी करते हैं। ये सब क्वालिटीज आपको और भी खूबसूरत बनाती है। थैंक यू। एक औरत होने के नाते आप आज की सोसाइटी में एक औरत को कहां देखती हैं? बेहतर देखती हूं। आज हर फील्ड में हमारी अच्छी जगह है। कुछ दायरे हमने तोड़े हैं, लेकिन आने वाले कल में आदमी और औरत के बीच सफलता और योग्यता के आधार पर मैं कोई फर्क नहीं देखती, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर आप ये कॉन्टेस्ट लूज करती हैं तो कैसा लगेगा आपको? उसके लिए मैंने सोचा ही नहीं, क्योंकि ऐसा हो सकता है मन में ऐसा विचार आया ही नहीं। थैंक यू। And the winner is contestant number 31, Miss Kiran Talreja. हाल ही में जो चार हत्याकांड रूबरू में दिखाए गए, उनके पीछे किसका हाथ है सर? ये तो सुनने में आया है कि आपको रूबरू प्रोग्राम बंद करने के लिए धमकियां मिल रही है। जी सही बात। तो क्या आप इसे बंद करेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इन हत्याओं के पीछे जो शख्स है, क्या आप कभी उन पर से नकाब उतारेंगे? हमारी कोशिश यही है, हमारे चैनल की, हमारे प्रोग्राम की कोशिश यही है कि इन सब लोगों को हम बेपर्दा करें, बेनकाब करें, जिनका इन हत्याकांडों से कोई भी लिंक है। इसलिए मेरी कोशिश ये रहती है एज अ जर्नलिस्ट। टीवी मीडिया में बहुत बड़ा नाम है। Hi, Mr. Bharti, how are you? Hi, Pradeep, how are you? Miss Kiran. Hi. Hi. Waiter. Mr. Prashant Bharti. कौन नहीं जानता आपको? Hey, Mr. खूबसूरत लोग भी मुझे जानते हैं, जानकर बहुत खुशी हुई। Excuse me, sir. आप ड्रिंक नहीं ले रहे? ले तो रहा हूँ। अरे, मेरा मतलब, you know. Whiskey वगैरह. Please have a seat. Thank you. मैंने सोचा मीडिया के सब लोग, हाँ, इसीलिए तो। अब देखिए, हमारा काम दूसरों से इतना अलग है कि हमें दूसरों से ज्यादा चौकन्ना, दूसरों से ज्यादा होश में रहने की जरूरत होती है। और वैसे भी मेरा मानना है कि जिंदगी में अपने आप इतना नशा है जिससे मैं भरपूर एंजॉय करता हूँ। अब ये विस्की वगैरह पीकर इस नशे की खुमारी को मैं तोड़ना नहीं चाहता। बात तो आपने अच्छी की, वाकई बात तो है। किरण, राइट? दैट्स राइट। किरण जी, बातें करना मेरा पेशा है, बात से बात निकालता हूँ, बातों की ही खाता हूँ। ये तो बहुत मुश्किल की बात है। सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि आप कौन सी बात दिल से कर रहे हैं और कौन सी ऊपर से? अब ये प्रॉब्लम तो सामने वाले की हुई ना, सामने वाले को भी मौका देना चाहिए थोड़ा एक्सरसाइज करने का। अब आपसे मिल लेने के बाद मुझे ये लग रहा है कि रैंप पर आपके सामने कोई नहीं टिका होगा। नहीं, ये बात कोई और कहता तो शायद इतनी खास ना होती। ये बात आपने कही तो बहुत खास लगी।
Thank you very much. You're very welcome. Come, let me show you around. Sure. Mama! Kiran! Mama jeet gayi. Good night, Mama. Daddy, I won, Daddy, I won. I really won, Daddy. I really won, Daddy. एक बार मुझे तुम्हारी डॉक्टर की रिपोर्ट मिलने के बाद मैं आपको फोन करूं। तुम इधर बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। What is it, mama? क्या हुआ माँ? कल रात तुम कुछ ज्यादा ही नशे में थी, तुमसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। डैडी की याद आ रही थी। इस नाम को अपनी कमजोरी छुपाने के लिए इस्तेमाल करना बंद करो। तुम अच्छी तरह से जानती हो इस नाम के जिक्र से मुझे दिल दुखता है आपका। अगर इस नाम से इतना ही गहरा रिश्ता था तो अलग क्यों हुए? इस बारे में मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती। बहस मैं भी नहीं कर रही। दोनों में से गलत चाहे जो भी रहा हो, मगर ये डिसीजन लेने से पहले मेरे बारे में तो सोचा होता। किरण, वेटर। यस मैम। कैन आई हैव अ जूस प्लीज? यस मैम। थैंक यू। नमस्कार, प्रशांत भारती रूबरू में आप सबका स्वागत करता है। ग्लैमर वर्ल्ड, चमक दमक की एक अनोखी दुनिया, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने लुभाने के लिए अपनी एक खास पहचान रखती है। यस मिस्टर प्रशांत स्पीकिंग। जी मैं ओहो मिस किरण तलरेजा। जी आपने कैसे पहचाना कि मैं? देखिए, कुछ लोगों की आवाज इतनी खूबसूरत होती है कि इंसान एक बार सुन ले तो भुला नहीं सकता, और कुछ लोगों के चेहरे ऐसे होते हैं कि एक बार देख लिया जाए तो। आप में दोनों का संगम है। पर सवाल यह है कि आपकी उंगलियों ने मेरा नंबर कैसे डायल कर दिया? जी वो तो मैं बस यूं ही। अच्छा, तो आपने मुझे यूं ही फोन कर दिया? जी मैं अब आपको। चलिए कोई बात नहीं, आपके यूं ही को एक मीनिंग दे देते हैं। आप मेरे ऑफिस आ जाइए, साथ में लंच करते हैं। आप ना बोलना चाहेंगी तो भी नहीं बोल पाएंगी। अच्छा, आपको बिल्डिंग तो पता है ना मेरी? वो नीचे कुछ फंक्शन है तो आपको पार्किंग की प्रॉब्लम होगी। आप गाड़ी सामने वाले कंपाउंड में पार्क कीजिएगा। ओके, आई एम वेटिंग। आप किरण मैडम हैं? जी आइए। थैंक यू। किरण जी। जी हे मिस मुंबई। गुड मॉर्निंग। हाय। यस मिस किरण। यस हाय, आई एम रमन, प्लीज कम। थैंक यू। यस मैम, प्लीज हैव अ सीट मैम। Thank you. Mr. Prashant is busy right now. You'll have to wait for some All time. Right. Would you like to have tea or coffee? I just had coffee. Thank okay, you. Okay, ma'am. Ah.
Hi. 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 Kiran ji, I'm so sorry. आपको इंतजार कर रहा है. That's okay. आप बोर तो नहीं हुई? No, not at all. मैं तो बस आपके कैबिन को देख रही थी. यहाँ की हर चीज कुछ कह रही है. बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं यहाँ पे. थैंक यू. इंसान के आसपास की चीजें उसे अफेक्ट तो करती ही हैं. इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि वो चीजें जो मुझे प्रेरणा दें, ऊर्जा दें, मेरे आसपास रहें. और इस कोशिश की अगली कड़ी आप हैं. ठीक है, रेडी टू गो टू लंच? ओह या, लेट्स गो. श्योर, थैंक यू. गोइंग आउट फॉर लंच पीपल. I know that you're watching your weight, but you must try this. ये यहाँ की best dish है. जी, मैं लेती हूँ. Please try. Okay. तो किरण जी आप ये आप मिस और जी के संबोधन से बाहर निकल आए. मुझे बड़ी मुश्किल हो रही है. ऐसा लग रहा है कि कैमरा लगा हुआ है और मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ. तो मैं आपको सिर्फ किरण बोल सकता हूँ? Sure. Thank you. किरण, भविष्य में क्या करना चाहती हो? Any future plans? कुछ प्लान तो नहीं किया, पर सोचा जरूर है. मैं समझती हूँ कि आगे जो होना ना होना, रहना इसी फील्ड में. मैंने अपना पोर्टफोलियो तो भेजा है. टारगेट तो मिस इंडिया जीतने का है. जीती तो ग्रेट, नहीं तो रैंप तो है ही, जिंदगी निकल जाएगी. बिल्कुल गलत. तुम्हें इस तरह से बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, और खासकर प्रशांत भारती के दोस्तों को तो बिल्कुल नहीं. मिस इंडिया बनना है तो बनना है. देखो क्या है ना, 1% डाउट भी 100% एफर्ट को फेल कर सकता है. तुम अपना निशाना सिर्फ टारगेट पे रखो और पूरे कॉन्फिडेंस, पूरे एफर्ट के साथ अटैक करो. फेल होने का सवाल ही नहीं है. मैंने अपने जीवन में भी सब कुछ ऐसे ही पाया है. सच, आपकी बातों से बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है. ओह गॉड, आई एम सॉरी. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे उम्र में बहुत बड़ा हूँ. और तुम्हारे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देना पड़ेगा. विजय ही भव. I'll try my best. अब देखते हैं क्या होता है. ब्यूटी मेरी नजर में इंसान के अंदर की खूबसूरती है. आप बाहर से खूबसूरत हैं ये अच्छी बात है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है अंदर से खूबसूरत होना. आप शांत हैं, आप अच्छा सोचते हैं अपने बारे में, दूसरों के बारे में. आप पॉजिटिव हैं. आपका इंटरव्यू देख रहा था. आप भावुक हैं, और इन सब से बढ़कर आप दूसरों की. क्या बात है, बहुत अच्छा बोलती हैं आप. ये सब क्वालिटीज आपको और भी खूबसूरत बनाती है. नहीं नहीं, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन, यू डन वेल. हेलो, गुड मॉर्निंग. हेलो, कैसे हो तुम? अच्छा सुनो, आज रात 10 बजे होटल लिंक में तुम मेरे साथ डिनर कर रहे हो. अब ये बताओ, मैं तुम्हें पिकअप करने आऊं कि तुम खुद पहुंचाओगे? डिनर किस खुशी में भाई. अच्छा मैं बताती हूँ, इट्स अ सरप्राइज. आई विल सी यू देयर. बाय. ओके, आई विल सी यू देयर. बाय बाय. बाय बाय. देखा, मैंने कहा था ना, तुम जो चाहती हो वो पाके रहोगी. आज कॉन्टेस्ट में एंट्री हो गई है, कल विनर भी हो जाओगी. प्रशांत, I cannot believe this. ये सरप्राइज तो मैं तुम्हें देने वाली थी. बताओ तुम्हें कैसे पता? Come on, tell me. देखिए, हम उन दोस्तों में से नहीं है कि एक टेबल पर मिले तो एक दूसरे का हालचाल पूछ लिया, और जब यहाँ से अलग हुए तो अपनी अपनी दुनिया में मशगूल. हम अपने दोस्तों की खबर रखते हैं, उनकी खुशियाँ, उनकी मुश्किलों की जानकारी रखते हैं. मसलन आपका सूप ठंडा हो रहा है. प्रशांत, तुम भी ना, मैंने तुम जैसा इंसान आज तक नहीं देखा. देखते भी कैसे, क्योंकि हम जैसे नमूने ऊपर वाले ने सिर्फ 2 बनाए हैं,
एक मैं हूँ और दूसरा दूसरे मेरे डैडी। छोड़ो, फिर कभी बात करेंगे। नहीं प्रशांत, आई रियली वांट टू नो। पिताजी अब रहे नहीं, माँ भी कुछ अरसे पहले चल बसी। मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं उनकी सेवा नहीं कर सका। मैं उन्हें यहां लाना चाहता था पर वो गांव छोड़ने को तैयार ही नहीं। दरअसल गांव का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अपने आप में बहुत कमाल का है। गांव की मिट्टी से जो लोग जुड़े हैं वो, हेलो, मैं अभी बस शुरू हो जाता हूं। अच्छा खासा राइटअप तैयार कर दिया मैंने। मैं भी ना क्या सोच रहे हो प्रशांत? सोच रहा हूँ मेरे सामने सिंपल साधारण सी किरण तलरेजा बैठी है। अब कल कोई मिस इंडिया बनेगी तो मेरे लिए कितनी डिफिकल्ट हो जाएगी। मिस इंडिया का ताज पहनने के बाद तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। मीडिया, इवेंट्स, चैरिटी शोज, वर्ल्ड टूर। हो, तब होगा ये कि मेरे जैसा साधारण सा जर्नलिस्ट कहीं कोने में चुपचाप खड़ा होगा और तुम शट अप प्रशांत, आई एम सॉरी, मगर तुम क्या समझते हो दोस्ती का मतलब सिर्फ तुम ही जानते हो? अरे इंसान अपनी फील्ड में जितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन अपने दोस्तों के लिए तो वही रहता है ना जो पहले था। बल्कि मेरे हिसाब से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सफलता पाने के बाद अपने असली दोस्त उनके आसपास होने चाहिए। एंड तुम्हारा सूप ठंडा हो रहा है। थैंक यू। क्या सोच रही हो किरण? सोच रही हूँ कि तुमसे मिलने के पहले जिंदगी तो थी, लेकिन अब कुछ अभी तुम हो कम सिन, अभी दिल न मांगो। अभी तुम हो कम सिन, अभी दिल न मांगो। कहीं खो दोगी तुम मेरी बात मानो, मेरी बात मानो। तुमने कुछ कहा? कुछ सुना नहीं तो? दिल का ये लेना देना बस में कहाँ है, मोहब्बत का दुश्मन सारा जहाँ है। कुछ तो करार दो मंजिल, खुद को संभालो, मेरी बात मानो। अभी तुम हो कम सिन, अभी दिल न मांगो। कहीं खो दोगी तुम मेरी बात मानो, मेरी बात मानो। हे 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 हे
अभी ये सहारे मुमकिन नहीं है, प्यार से जरूरी काम और भी कई कम सिन, अभी दिल न मांगो, कहीं खो दोगी तुम मेरी बात मानो, मेरी बात मानो, हे 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 आहा हा हा। तुमने कुछ कहा? Let the might of your compassion arise to bring a quick end to the flowing stream of the blood and tears, our most cherished and long felt desire. Please hear my anguished words of truth. नहीं नहीं, तुम sorry क्यों बोल रही हो? मैं समझता हूँ इन दिनों तुम बहुत busy हो. I'm so sorry. मैं rehearsal में थी and that's why I missed your call. अच्छा सुनो, मैंने यूँ ही phone नहीं किया है. हाँ. मैं एक दिन के लिए Bangalore जा रहा हूँ. तुम शाम को घर चली आना, coffee पीते हैं. हाँ मैं जरूर आऊँगी. अच्छा जल्दी आना, मुझे फ्लाइट पकड़नी है. ओके बाय. घर तो बहुत खूबसूरत बनाया तुमने. तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है. एक्सक्यूज मी. हेलो हेलो मिस किरण, मैं प्रदीप नारंग बोल रहा हूँ. ओह हेलो, यस टेल मी. आज रात को मैरिट में पार्टी है. मैरिट में आज रात को? इतने शॉर्ट नोटिस पर? हाँ, आप आ रही हैं ना? जी. क्या ये मिस्टर कुकरेजा की पार्टी है? हाँ, 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 बिल्कुल सही पहचाना. अच्छा, मैं जरूर आऊंगी. ऑफ कोर्स. थैंक यू मैडम, थैंक यू, बाय, सी यू. बाय बाय, सी यू. प्रशांत, मेरे साथ पार्टी पे चलो ना प्लीज. किरण, मेरी 1.5 घंटे में बेंगलोर के लिए फ्लाइट है, मैं नहीं चल सकता हूँ. तो क्या हुआ, पोस्टपोन कर दो. किरण, मेरा जाना बहुत जरूरी है. तुम जाओ ना, तुम्हारे लिए तो काम है. और वैसे भी किरण, ये पार्टीज, फंक्शंस, लोग तुम्हारे आसपास लगे रहेंगे. मगर मेरी एक बात याद रखना, ऊंचाई पर पहुंचना मकसद तो होना चाहिए, मगर ख्याल रहे इसके लिए कभी गिरना ना पड़े. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. ऐसी पार्टी में सब बिग शॉट्स होते हैं यार. हाय सर, मिस्टर कुकरेजा. हेलो. फैशन वर्ल्ड के गॉडफादर. बहुत सी इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज इनकी वजह से चल रही है. ये हमारे आज के खास गेस्ट हैं. प्लीज टेक केयर. नाइस टू मीट यू. यू टू. अरे आपका ग्लास तो खाली हो चुका है. जी नहीं. ए बेटा, ड्रिंक लाओ. ओह वेल, आप लोग बैठिए, आई विल जस्ट जॉइन यू. प्लीज एक्सक्यूज मी. थैंक यू. एक ड्रिंक तो आपको लेना ही होगा मेरे लिए. थैंक यू वेरी मच. हाँ, ऐसा थोड़ी चलेगा. आपको एक ड्रिंक और पीना पड़ेगा मेरे लिए. है बेटा, चलो. आप कॉन्टेस्ट है, आप कॉन्टेस्ट को लेकर काफी टेंस है किरण जी. फिक्र मत कीजिए, ताज इसी सर पर बंधेगा. हमने कह दिया, समझो, हो गया. मगर मेरी एक बात याद रखना, ऊंचाई पर पहुंचना मकसद तो होना चाहिए, मगर ख्याल रहे इसके लिए कभी गिरना ना पड़े. Excuse me, Mr. Kukreja. Mr. Kukreja, ये आप क्या कर रहे हैं? I'm sorry, किरण जी. क्या हुआ, मिस किरण? Any problem? किरण जी खफा हो गई. अरे आप बैठिए ना, बैठिए, बैठिए, please. Please, please. Have a seat. Please. देखिए, आप ड्रिंक लीजिए ना. हाँ. मिस किरण, कुकरेजा साहब इज अ वेरी हेल्पफुल मैन. आप समझाओ मैं किंग मेकर. ट्राई टू अंडरस्टैंड मिस किरण. ये तो आप समझ रही ना.
हेलो मिस्टर प्रदीप नारंग स्पीकिंग। क्या हो रहा है भाई? अरे भारती साहब, किसकी जिंदगी बना रहे हो? क्या हुआ, क्या कहना चाह रहे हैं आप? अब क्या कहें आपसे, आप जैसे ग्रेट शख्स से कोई क्या कहे। वैसे कल रात में जो रंग उछाला है अपने पार्टी में, उसके छींटे जिस शख्स पे पड़े हैं, वो इस वक्त मेरे सामने मेरे ऑफिस में बैठी है, मिस किरण तलरेजा। किरण, क्या समझते हैं आप लोग समझते क्या है लड़कियों को? ऐसे इवेंट्स के क्रिएटर्स और स्पॉन्सर्स का अपना कोई कैरेक्टर है कि नहीं है? हुआ क्या? वो सोचते हैं कि लड़कियों को सपने दिखाकर कुछ भी कर सकते हैं उनके साथ। अरे क्या हुआ भाई, कुछ बताइए ना। नहीं नहीं, अभी कुछ हुआ नहीं है। मैं कुछ करने पे आऊंगा ना तो बहुत भारी पड़ेगा आपको, आपको और उन सब लोगों को जो रात के वक्त शराफत का मुखौटा उतार के अपनी जात पे उतर आते हैं। आप इतना गुस्सा ना कीजिए। नाउ यू शट अप एंड रिमेंबर हु यू टॉकिंग टू। प्रशांत भारती है मेरा नाम, और ये कुकरेजा है कौन? क्या बेचता क्या है, समझता क्या आपने? आपको एक्सपोज कर दूंगा ना साले को, तो शहर भर में चेहरा छिपाता फिरेगा। उसने हिम्मत कैसे की किरण से इस तरह से बात करने की? क्या किस बिस्तर की बात कर रहा था वो? लाइफ बना देगा लड़कियों की। तुम अभी इसी वक्त किरण से माफी मांगो। हेलो, टेक द फोन। हेलो हेलो, सॉरी किरण। योर कुरियर मैम। जी हेलो। हेलो या प्रदीप नारंग बोल रहा हूँ। मिस किरण कैसी हैं आप? देखिए उस दिन आपके साथ जो हुआ उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। मैंने इस लेटर में क्वेश्चन के साथ आंसर्स भी भेजे हैं। हमारे जजेस आपसे यही सवाल पूछने वाले हैं, आप तैयार कर लीजिए। देखिए एक तरह से हमने आपको मिस इंडिया चुन लिया है। आपको बहुत बहुत मुबारक है। What is the definition of beauty according to you and why? According to me, beauty means the expansion of an individual's inner human values. Given a choice between career and love, what will you choose and why? If I'm given a choice between career and love, I'll definitely choose career. And the winner is contestant number 30! Wow! And the winner is contestant number 13! Wow! Ah! Contestant number 30! Thank you. Good evening. Mother Teresa ki sacrifice aur stardom, इन दोनों में से आप क्या चुनना पसंद करेंगी और क्यों? What is the definition of beauty according to मिस किरण, आपकी नजर में इंसानियत के मायने क्या होते हैं? डिफाइन ह्यूमैनिटी प्लीज। ह्यूमैनिटी गिवन अ चॉइस, गिवन अ चॉइस इन करियर एंड लव, व्हाट विल यू चूज, व्हाट विल यू चूज एंड व्हाई? मजहब के नाम पे इंसान इंसान से लड़ता ही चला आया है और आज भी लड़ रहा है। मिस किरण, क्या आप हमें बताएंगे कि इंसान से इंसान की नफरत कब और कैसे खत्म होगी? इंसान से Thank you.
Thank you, contestant number 13. And the next contestant is number 17. Kiran? Kiran? Kiran, beta? Kiran? Kiran, maa ko to bata! Kiran, kya hua mere bache? नहीं खोल रही किरण मेरे बच्चे प्लीज अपनी माँ की बात तो सुन हे भगवान ये लड़की क्या कर रही है हेलो प्रशांत बेटा कल रात से किरण ने खुद को कमरे में बंद कर रखा है कितना समझाने की कोशिश कर रही हूँ पर दरवाजा नहीं खोल रही प्लीज बेटा जल्दी से चले आओ और उसे समझाओ मुझे बहुत डर लग रहा है माँ जी आप फिक्र मत कीजिए मैं भी पहुंचता हूँ ठीक है डोंट वरी ठीक है बेटा किरण जिंदगी में हार जीत तो लगी रहती है जहां एक और कुछ छूटता है वहीं दूसरी ओर जहां जो मिलना होता है उसकी जमीन खड़ी हो चुकी होती है बेवजह दिमाग खराब करके रखा है एक रूम में बंद कर लिया अपने आप को कम से कम अपनी माँ का ख्याल तो किया होता देखो बेचारी कितनी परेशान है माँ जी आप प्लीज बैठिए ना मैं समझा रहा हूँ इन्हें बेटा अब तुम ही इसे समझाओ मैं तो समझा समझा के हार गई अब इनको क्या समझाना है सब समझ है इन्हें अकल की कमी नहीं है यहाँ पर हाँ उसे इस्तेमाल करने में कंजूसी बरती है उन्हें क्यों गलत कह रहा हूँ इधर देखो मेरी तरफ चलो चलकर तैयार हो जाओ मैं तुम्हें कहीं लेकर चलता हूं शायद वो जगह तुम्हें इस वक्त को समझने में मदद करे चलो जाए माँ जी चलो 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 मैं यहां अक्सर आता हूं इन बच्चों से मुझे बहुत प्यार मिलता है आओ तुम मिलो इनसे But they are innocent. Hello! देखो आज मिलने कौन आया तुमसे हेलो बंटी क्या हाल है आ जाओ बेटा अरे ये तो कितना लंबा हो गया आ जा शाबाश ये हुई ना बात हेलो बोलो दीदी को हेलो बोलो सब वेरी गुड अरे गुड़िया किरण कैसी लगी जगह किरण तुम्हें पता है मैं तुम्हें इन बच्चों के बीच में क्यों लेकर आया हूं ईश्वर ने इन्हें अधूरा बनाया शरीर है सांसें हैं धड़कने हैं सब कुछ है मगर फिर भी ये हमारी तरह पूरे संपूर्ण नहीं है इनमें से कुछ हैं जो पानी का ग्लास तक उठाकर नहीं पी सकते कुछ हैं जो रंगों को पहचान नहीं सकते कुछ हैं जिनका अपने हाथ पांव पर ही अंकुश नहीं है लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है तुमने इनकी आंखें देखी इनकी आंखों में एक विश्वास है उम्मीद है इन्होंने जिंदगी के साथ एक रिश्ता बनाकर रखा है विश्वास का और ये विश्वास इन्होंने अपने दिल में समेटा हुआ है और किरण जब ऐसे बच्चे अपने दिल में विश्वास और उम्मीद को कायम रख सकते हैं तो हम जैसे लोग छोटी सी मुश्किल पाकर अपना संयम खो दें ये एक कविता है पढ़ना इसे मैंने लिखी है इसे पढ़ने के बाद अगर तुम्हें लगे कि तुम जीवन को थोड़ा और समझ सकी हो तो मैं सोचूंगा कि कुछ कह पाने वाले शब्दों को सोच पाने की समझ है मुझमें जीवन को हम मित्र बनाएं, हर पल उसके साथ बिताएं, इसी को समझें इसी को जानें, सत्य यही है इसी को मानें। दूर बहुत है मंजिल तो क्या पग पग पर है मुश्किल तो क्या
पांव में छाले पड़े हैं तो क्या, राह में कांटे गड़े हैं तो क्या, राहों को हम राह बनाए, जीवन को हम मित्र बनाए। हाय किरण, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बस ठीक हूँ मैं, और क्या चल रहा है? किधर थी, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं हम। हाँ कुछ ऐसे ही, बहुत बिजी रहने लगी हो आजकल। बस थोड़ा सा, क्या करें। और प्रशांत कैसा है? वो बिल्कुल ठीक है, बिजी एज यूजुअल। वैसे और... किरण, बुरा ना माना तो तुम्हें लगता नहीं कि तुम प्रशांत पे कुछ ज़्यादा ही भरोसा कर रही हो? भरोसा इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं उसे जानती हूँ। अभी समझने का मौका ही कितना दिया है उसने तुम्हें, कितना जानती हो तुम उसे। एनीवे, बाय, सी यू, बाय बाय। हेलो, हु इज स्पीकिंग? नहीं, आप कौन बोल रहे हैं? जी जी नहीं, मैं रूबरू प्रोग्राम बंद नहीं करूंगा। हाँ, आपको जो करना है आप कर लीजिए। कौन है? क्या आप गोली मार देंगे? हाँ, आप कर लीजिए। आप, मैं आपको अपना पता दूं? आप एड्रेस लिख लीजिए ना मेरा। हेलो हेलो, काट दिया, पेन ढूंढ रहा है शायद। कौन था प्रशांत? होगा कोई जिसे मुझसे नुकसान पहुंचने वाला होगा या पहुंचा होगा कभी। मगर इसमें तो नंबर नहीं आया, तुम पुलिस को कैसे बताओगे? ब्लॉक नंबर होगा। प्रशांत, तुम्हें पुलिस को बताना जरूरी है कि किसी ने तुम्हें जान से मारने की धमकी दी है। दिस इज अ सीरियस मैटर। मैटर इतना सीरियस नहीं है जितनी सीरियस तुम हो रही हो। ऑल इज वेल, डोंट वरी। तो प्रशांत साहब, आप पर हमला किसने किया होगा? कौन थे ये लोग? इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा ना आपसे, मैं नहीं जानता वो लोग कौन थे। आई डोंट नो। इन दिनों किसी से कोई प्रॉब्लम, किसी बात को लेकर किसी से कोई अनबन हुई हो, या तो किसी ने कोई धमकी दी थी? इंस्पेक्टर, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। क्या उस व्हीकल का नंबर बता सकते हैं आप मुझे? याद नहीं मुझे। अच्छा, तो आपको अगर पुलिस को कुछ इन्फॉर्म करना हो तो आप बांद्रा पुलिस स्टेशन फोन कर सकते हैं। और हाँ, ये मेरा कार्ड रखिएगा, इसमें मेरा सेल नंबर है, डायरेक्ट आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू ऑफिसर, थैंक यू। ओके मिस्टर प्रशांत। आइए डॉक्टर साहब, कैसे हैं? और नीचे तो बहुत लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। सिस्टर, हर दो घंटे में इनका ब्लड प्रेशर चेक करना, प्लीज आप लोग इन्हें आराम करने दीजिए। यस सर। आई सी यू गाइस, टेक केयर सर, थैंक यू फॉर कमिंग। बाय। या ओके डॉक्टर साहब। ओके प्रशांत। मैडम, ये मल्टीविटामिन टैबलेट है, मल्टीविटामिन टैबलेट ये सुबह शाम दो बार देना है, और अगर पेन ज्यादा हो तो ये पेन किलर दे दीजिएगा। जी थैंक यू, आप रख दीजिए। थैंक यू। प्रशांत, तुमने इंस्पेक्टर को बताया क्यों नहीं कि ये सब होने से पहले तुम्हारे सेल पर फोन आया था? किसका फोन आया था, क्या बताता? प्रशांत तुम भी ना। किरण रिलैक्स, तुम पुलिस के बारे में नहीं जानती हो क्या? क्रिमिनल्स का नाम पहचान पता होने के बावजूद वो लोग किसी मामले में नतीजे तक नहीं पहुंच पाते हैं, और यहाँ बिना नाम वाले केस में कहां फंसाता बेचारों को। प्रशांत मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती, अजीब सी बातें करते हो और उन अजीब सी बातों का अजीब सा लॉजिक देते हो। जब तुम्हें पता है कि कोई है जो तुम्हें मार डालेगा और उसने ऐसा कहा भी है, तो तुम पुलिस की हेल्प क्यों नहीं लेते, कोई सिक्योरिटी गार्ड्स या कुछ? तुम्हें क्या लगता है ये मारने वाले सिक्योरिटी गार्ड से डर जाते हैं क्या? ऐसे ऑपरेशंस में सिक्योरिटी गार्ड के नाम की दो चार एक्स्ट्रा गोलियां डाल के चलते हैं ये। जिसे मरना होता है वो तो मर जाता है, साथ में एक सिक्योरिटी गार्ड बेचारा मारा जाता है। तुम
सोचो किरण, अगर मेरे साथ ऐसा हुआ होता कि मेरा सिक्योरिटी गार्ड मुझे बचाते बचाते मर जाता, तो एक आदमी जो 6,240 रुपए की तनख्वाह पर अपना परिवार पाल रहा था मारा जाता, और उसके बाद, उसकी मौत के बाद, मैं क्या अपनी सारी जिंदगी शांति से काट पाता? दिया ना, अजीब सी बात का अजीब सा लॉजिक। अब दोस्ती की है तो झेलो फिर। वही तो कर रही हूँ। थैंक यू। ये लो, जूस पी लो। ये लो, दवाई ले लो। और अब ये पेपर छोड़ो। ये देखो कितना स्ट्रेस है तुम्हारे चेहरे पे। डॉक्टर ने मना किया ना स्ट्रेस लेने से। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, वो कैलकटा बेस्ड एक एजेंसी है, उन्होंने तुम्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। ब्रांड एम्बेसडर? तुम्हें कैलकटा जाना है, कल शाम की फ्लाइट है तुम्हारी। प्रशांत, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि अब मुझे मॉडलिंग नहीं करनी। मतलब? मतलब अब मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे काम में हाथ बटाना है। सपनों में तुम रंगियों भरो
संग रहेंगे सदा साथिया सबको बता दूं कि आज की मीटिंग बहुत ही कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेटिव है, इसीलिए आप लोगों को ऑफिशियली कोई कॉलशीट नहीं दी गई। मुझे एक नए प्रोग्राम के लिए कुछ सिलेक्टेड लोगों की टीम तैयार करनी थी और आप लोगों की अच्छी परफॉर्मेंसेस देखते हुए आपका चुनाव किया गया है। प्लीज सिट डाउन। मैं उत्थान नाम से एक नया शो लॉन्च कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट चैनल ने अप्रूव कर दिया है, वो लोग पूरी तरह से हमारे साथ हैं। ये बात तो आप सब समझते हैं कि आजकल की सरकारें, सरकार से जुड़े लोग कितने सच्चे हैं, कितने ईमानदार हैं और कितनी निष्ठा से अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं। आजकल के राजनेता, हमारे प्रिय राजनेता, अपनी पोजीशन, अपने अधिकारों का इस्तेमाल सिर्फ अपने स्वार्थों को पालने के लिए करते हैं। जो जहां बैठता है लूटने के तरीके खोजना शुरू कर देता है। हमारे राजनेताओं को ना तो जनता के विश्वास की फिक्र है और ना ही देश के भविष्य की। नतीजा क्या है, हालात क्या है, आप सबसे तो कुछ छुपा नहीं है। अपने इस शो में हम ऐसे ही राजनेताओं को एक्सपोज करेंगे और अपने शो के लॉन्च के लिए हमें एक बहुत ही दमदार मूवमेंट भी मिल गया है। हमारे स्टेट गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर श्री भावना प्रसाद इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं एनआरआईज के साथ, जिसके एवज में उन्हें 40 करोड़ का कमीशन मिल रहा है। ये डील एक होटल में होने वाली है और इस डील को हमें लाइव शूट करना है। मैं आपको पूरा प्लान, उस प्लान में किसका क्या रोल है, सब बताऊंगा, लेकिन मुझे हर पल हर मूवमेंट की खबर मिलनी चाहिए। अंडरस्टूड। इस टीम को किरण तलरेजा लीड करेंगी और आप सबको इन्हें बिना शक या सवाल के सुनना है। वो लोग आ गए। ओके। जा रहे हैं। गो टू सेकंड फ्लोर। हाँ सर, यहां से निकल चुके हैं और रूम की तरफ जा रहे हैं। जी, फॉलो देम। सर,
ग्रेट ग्रेट जान बाबू, ग्रेट काम किया आपने, आई सैल्यूट यू। अरे भाई, ये टेप तो हमारे लिए रामबाण साबित होगा। अब भावना प्रसाद के साथ साथ इस सरकार को भी हम पटखनी देंगे। क्यों चौहान साहब? बिल्कुल सही कहा समर जी। अब अगले इलेक्शन में इस सरकार को कोई बचा नहीं सकता। अब बाजी बिल्कुल अपने हाथ में। शाबाश प्रशांत बाबू, शाबाश। आइए इसी बात पे गले मिले, बैठ जाइए। मैंने कहा ना, बैठ जाइए, बैठ जाइए। गले वाले मिलते रहेंगे, जल्दी क्या है। पहले मैं ये तो क्लियर कर लूं कि ये इतना बड़ा काम जो मैंने किया है वो क्यों किया है। देखिए, मुझे भावना प्रसाद को एक्सपोज करके मीडिया में कोई बड़ा नाम नहीं कमाना है, और ना ही ये काम मेरे अंदर के किसी दर्द ने मुझसे करवाया है कि जनता और देश का पैसा गलत हाथों में क्यों जा रहा है ना। जनता और देश मेरे लिए वही है जो आप लोगों के लिए है। हाँ, ये काम करके मैंने खून पीने वालों की जमात में शामिल होने का एक अवसर जरूर ढूंढा है। मेरा तो एक ही सिद्धांत है, पियो और पीने दो। वाह, आपका खुलासा करने का अंदाज बहुत अच्छा लगा। कितना साफ है आपका व्यक्तित्व, एकदम ट्रांसपेरेंट, शीशे की तरह। मैं जानता हूं सरकार यूं यूं ढेर हो जाएगी, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूं कि इतना बड़ा काम जो मैंने किया है, जिससे आपकी पार्टी को इतना बड़ा फायदा होने वाला है, इसकी कीमत मुझे क्या मिलेगी? इसकी एवज में मुझे क्या मिलेगा? मैं जनता को बताना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ यह हमारा पहला कदम है। यूं समझिए ये एक शुरुआत है, यह सिलसिला अब लगातार चलता रहेगा। हमारे इस नए प्रोग्राम उत्थान के जरिए भावना प्रसाद जैसे और कई चेहरों को हम बेनकाब करेंगे। हाँ तो प्रशांत जी, पूरे देश में आपके नाम की चर्चा है, क्या कहना है आपका? देखिए, मैंने अपना नाम चमकाने के लिए तो कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ी है, और मैं चाहता हूं मेरी इस लड़ाई में जनता मेरा साथ दे। हम लोग भ्रष्टाचार से तभी लड़ सकते हैं जब हम सब एक मंच पर साथ आ जाएं। ओके मिस्टर प्रशांत, हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। आखिर भावना प्रसाद की बिजली सरकार पे गिरी और उनकी सरकार मुंह के बल गिर पड़ी। मैडम, ऑफिस के बाहर प्रशांत सर के चाहने वालों की इतनी भीड़ जमा है कि हम लोग जवाब देते देते थक गए। उफ। मैम, डू यू हैव एनी अदर नंबर ऑफ प्रशांत सर? जो हमारे पास है वो आउट ऑफ रीच आ रहा है। मैडम, वो सब इस ऑपरेशन के बारे में मुबारकबाद देना चाहते हैं। मीडिया पीपल आर वेटिंग फॉर प्रशांत सर। कहाँ है सर? मैम, आप ट्राई कीजिए ना। अरे, मैं उनका फोन ट्राई कर करके थक गई हूँ। आई हैव नो आइडिया वेयर ही इज। आखिर लोकमत पार्टी ने प्रशांत भारती को अपने आने वाले चुनाव के लिए अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। आगे मुख्य समाचार। हेलो पीपल, क्या चल रहा है भाई? प्रशांत, यहाँ बैठा हर कोई तुम्हारे इस फैसले से खुश नहीं। सभी के मन में एक ही सवाल है कि तुमने ये क्यों किया? सर, राजनीति की जिस गंदगी के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे थे, आप उसी का हिस्सा बन गए। हमारे नेता राजनीति के चेहरे पे लगे हुए एक दाग की तरह हैं। ऐसा आप ही ने कहा था, और आज सवाल है तुम लोगों के, मगर ये कितने जायज हैं और कितने नहीं, बात इस बारे में करनी है। वैसे मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करके तुम सबको हैरानी में डाल दिया, नहीं? क्योंकि तुम सबने कभी सोचा ही नहीं था कि राजनीति का विरोध करने वाला प्रशांत भारती
एक दिन खुद राजनीतिज्ञ बन जाएगा। मैंने राजनीति को गलत कब कहा? राजनीति एक व्यवस्था है जो हमारे प्रजातंत्र में संवैधानिक रूप से कार्य करने के लिए मनोनीत हुई है। हाँ, इसकी घिनौनी और दयनीय हालत के पीछे कुछ करप्ट लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। इन लोगों ने इसे शतरंज का एक खेल बना दिया है। अब प्रश्न ये उठता है कि गंदगी की तरफ इशारा करने से क्या हमारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं? इस गंदगी को साफ करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? कहते हैं कि राजनीति एक ऐसा अखाड़ा है जहां पर सिर्फ झूठे और मक्कार पहलवान लड़ रहे हैं। सही है, वही लोग लड़ रहे हैं और वही लड़ते रहेंगे, क्योंकि यहां कोई सच्चा और ईमानदार पहलवान तो अखाड़े में उतरने के लिए तैयार ही नहीं है। हम लोग मुद्दा उठा सकते हैं मगर उस मुद्दे के लिए कर क्या सकते हैं? बदलाव लाने की बातें कर सकते हैं मगर उसके लिए कर क्या सकते हैं? बदलने के लिए क्षमता चाहिए, अधिकार चाहिए, सत्ता चाहिए। मैंने सोचा कि किसी बीमारी को डायग्नोस करने वाली मशीन बनकर क्या होगा? इंजेक्शन बनकर बीमार की रगों में उतरना होगा। अगर अब भी आप लोगों के दिलों में कोई शक या सवाल है तो आप मुझे बोल सकते हैं। मैं अभी इसी वक्त रिजाइन कर देता हूं पॉलिटिक्स से। क्योंकि मेरे लिए आप लोगों के विश्वास से बढ़कर कुछ नहीं है। आइए सर। मुबारक हो। आइए 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 सर। वाह प्रशांत बाबू, वाह, बहुत बढ़िया ऑफिस बनाया है। मुझे लगता है इतनी कम उम्र में आपने बहुत कुछ समेट लिया। मैं तो कहता हूं कि अगर राजनीति का लड्डू ना भी मिला होता आपको, कोई फर्क नहीं पड़ता। किरण, इनका मुंह मीठा करो। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, आप लीजिए ना। अच्छा है। पीड़ा सबको खिलाइए, बांटिए बांटिए। बैठिए ना सर। अरे प्रशांत बाबू, ये कुर्सी आपकी है, मुझे बैठने के लिए क्यों कह रहे हैं? अरे आप बैठिए तो सही। प्रशांत बाबू, राजनीति में कभी भी किसी को भी अपनी कुर्सी पर बैठने के लिए अलाउ मत कीजिए, क्योंकि एक बार राजनीति में कोई कुर्सी पर बैठ गया तो फिर उठने का नाम ही नहीं लेता। प्रशांत बाबू, राजू पहले वो रखो, देखिए क्या है, और इस फोटो को भी साफ करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या संभाला हुआ है। मैं तो यूं कहूंगा कि आप बहुत लकी हैं जो किरण जैसी सहकर्मी मिली आपको। जी। किरण जी, अच्छा अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्ते, नमस्ते। राजू, गांधी जी की फोटो बीच में लगाओ। अरे नहीं, ये तस्वीर यहाँ नहीं लगेगी। अरे प्रशांत बाबू, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? गांधी जी के लिए ऐसी बात कर रहे हैं? हमारे पूज्य पिता, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, शांति के प्रति। अरे ये तो अपमान है उनका। गलत बात है प्रशांत जी, बिल्कुल सही, ये तो राष्ट्रपिता है हमारे। एक मिनट, एक मिनट। गांधी जी हमारे लिए आदरणीय है, पूजनीय है, राष्ट्रपिता है। अरे पर गांधी जी की तस्वीर दीवार पर टांगने के लिए नहीं, दिल में बसाने के लिए होती है। मैं खुद उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और उनके सपनों को साकार करना चाहता हूँ। उनकी तस्वीर की जगह मैं क्या लगाना चाहता हूँ, आइए आपको दिखाता हूँ। राजू देना जरा ये चेहरा मुझे काम करने की प्रेरणा देगा। मैं भूख और गरीबी से लड़ूंगा। गांधी जी भी तो यही चाहते थे ना। अब आप में से किसी को कुछ कहना है? वाह प्रशांत बाबू, वाह, क्या ख्यालात हैं आप। ओम नमः चंडी। भगवान भला करे, दे माई, भगवान भला करे माई। प्रशांत बाबू, इस देवालय में बहुत शक्ति है, बहुत,
बात कितनी भी बिगड़ जाए यहाँ की पूजा अर्चना से संभाल जाती है, और आपके लिए पूजा बहुत जरूरी थी। देखिए मैं आपका दोस्त हूँ, मेरा फर्ज है मैं आपको समझाऊं। प्रशांत बाबू, गलत कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपको टिकट मिला है। देसाई को वहां पटकना इतना आसान नहीं है, पूरी की पूरी बिजनेस कम्युनिटी उसके साथ है। वो लोग पैसा पानी की तरह बहाएंगे प्रशांत बाबू। देखिए मैं आपको इस विषय में आगाह करना चाह रहा था, लेकिन जब तक कुछ कहने की स्थिति में आऊं तब तक आपका नॉमिनेशन हो चुका था। देखिए अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, लेकिन बिगड़ सकता है प्रशांत बाबू, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी में ऐसे लोग नहीं है जो पैसा नहीं लगा सकते। वो आप जैसे घोड़े पे कौन पैसा नहीं लगा सकता, वो भी लगाएंगे, लेकिन जो पैसा लगाएगा प्रशांत बाबू उसका क्या, उसे कुछ न कुछ तो चाहिए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? हाँ हाँ, मैं प्रशांत के साथ रह रही हूँ और ये फैसला मेरा है, और इसके लिए मैं किसी को सफाई देना जरूरी नहीं समझती। हाँ हाँ, तेरा फैसला है ठीक है, मगर प्रशांत के अलावा तेरे दिमाग में कुछ और है कि नहीं? आई मीन किरण, अपना करियर, अपना फ्यूचर, अपना वजूद, सब कुछ भुलाकर। देखो सोनिया, शायद तुम्हारे एक्सपीरियंसेस अलग हैं इसलिए तुम्हारे सोचने का ढंग भी अलग है, और एज फार एज प्रशांत इज कंसर्न मुझे किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। बाय। प्रशांत का प्यार। प्रशांत, 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 ये क्या है? क्या है? तुम ड्रिंक कर रहे हो, शराब पी रहे हो तुम? जी हाँ, आज प्रशांत भारती शराब पी रहा है। क्यों? क्यों? पीने की चीज है, पी रहा हूं। कल तक तो तुम्हारे लिए शराब की कोई अहमियत नहीं थी, तुम ही कहते थे जिंदगी अपने आप में एक नशा है। हाँ कहा था मैंने, हाँ कहा था मैंने, लेकिन अब वो नशा उतर चुका है इसलिए पी रहा हूं मैं। बैठो यहां। जी करता है तमाचे मार मार के चेहरे को लहूलुहान कर दूं खुद के। किरण, ये पॉलिटिक्स में आने की बात आई कहां से मेरे दिमाग में? इतना गलत डिसीजन मैंने कैसे ले लिया? क्या हुआ क्या है प्रशांत? किरण, झूठ, फरेब और मक्कारी का जाल बिछा हर तरफ। कोई क्या है, क्या चाहता है, क्या बोलता है, मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आ रहा। लोगों के दिल में कुछ और है, चेहरे पर कुछ और। पागल हो गया हूं मैं सोच सोच कर। मगर तुम इतने परेशान क्यों हो? बात क्या है, कुछ बताओ तो सही। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, और आगे कोई बात होगी भी नहीं। नो प्रशांत। किरण, आई हैव डिसाइडेड, मैं रिजाइन कर दूंगा। रिजाइन? हाँ मैं रिजाइन कर दूंगा। प्रशांत भारतीज अनटाइमली रेजिग्नेशन फ्रॉम पॉलिटिक्स। अब तो मुझे माँ को दिए हुए वचन की भी परवाह नहीं है, उनकी आत्मा ऊपर बैठ के अगर मुझे धिक्कारती है तो धिक्कारे। माँ चाहती थी मैं अपने ईमानदार पिता के सपनों को पूरा करूं, कोशिश की मैंने, अपने इसी वचन को निभाने के लिए मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। लेकिन पॉलिटिक्स में चार कदम चल लेने के बाद मेरी समझ में आ गया मैं आगे एक भी कदम नहीं ले सकता हूं। अरे कुछ करना ही नहीं मुझे, मैं जैसा था जहां था ठीक था, और अब मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। प्रशांत, तुम जैसा सुलझा और समझदार इंसान ऐसी बातें कर रहा है? अरे तुम तो दूसरों को मुश्किलों से निकालने का रास्ता दिखाते हो, फिर तुम्हारे सामने ऐसा कौन सा पहाड़ आ गया जो तुम नहीं लांग सकते? किरण, मैं हर पहाड़ लांग सकता हूं, आसमान की हलक में हाथ डाल लेने की हिम्मत है मुझ में, लेकिन मेरे स्वाभिमान, मेरी इज्जत की धरोहर पर कोई आंख गड़ाए मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं बर्दाश्त करूंगा ही नहीं। बस प्रशांत। किरण, मुझसे
प्रशांत भारती से कहा जा रहा है कि चौधरी की क्लब वाली पार्टी में तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊं। क्यों, तुम्हारा क्या काम है वहां पर? वो लोग तुम्हें क्यों चाहते हैं वहां पर? और ये चौधरी है कौन और पार्टी उसके क्लब में क्यों है? क्यों उसे इतना क्यों खुश किया जा रहा है? इतनी सी बात के लिए प्रशांत तुम इतना परेशान हो गए कि तुमने शराब पी ली? और अगर वो चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ आऊं तो इसमें बड़ी बात क्या है? लोग हमारे रिश्ते के बारे में जानते हैं प्रशांत। मैं तुम्हें उन्हीं लोगों से दूर रखना चाहता हूं। मेरा करियर, मेरा प्रोफेशन अलग है, मेरी निजी जिंदगी अलग है। प्रशांत ये इतना बड़ा इशू नहीं है जितना तुम बना रहे हो। है ये इशू। अरे मैं ये पार्टीज और फंक्शंस को समझती हूँ, ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। और बैठो। प्रशांत मैंने तुम्हें अपना विश्वास बनाया है, तुम मुझे अपनी कमजोरी मत बनने दो। और मुझे लेकर तुम्हारे मन में कोई डर नहीं होना चाहिए प्रशांत। और वैसे भी मैं आइस बॉक्स में पड़ा हुआ वो बर्फ का टुकड़ा नहीं जो विस्की में मिलाकर कोई भी पी जाए। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ समर, मैं पहुंच रहा हूँ। तुम कितने बजे पहुंचोगे? प्रशांत। अच्छा, ये चौधरी आदमी कैसा है? सुन रहे हो? मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, क्या पहनूं? तो प्लीज हेल्प मी। एक मिनट होल्ड करना, कुछ भी पहन लो, मैं क्या बताऊं? प्रशांत प्लीज। एक सेकंड होल्ड करो जरा प्लीज, मैं बात करता हूँ अभी। ये पहन लो। अरे पहन लो इसे। ये ड्रेस? क्या हुआ ड्रेस को? ड्रेस को तो कुछ नहीं हुआ, मगर पहनूंगी तो फिर कुछ। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं या फिर ऐसा कुछ हो गया कि पता ही नहीं चला क्या हुआ? You're looking very nice. Thank you. Can we go now? सच बताओ कैसे लग रही? Trust me, you're looking nice, okay? No, I don't believe you. Hello? क्या? Bangalore जाना होगा? अभी 10:30? अरे पहले बता। अच्छा अच्छा मैं देखता हूँ। क्या हुआ? अरे वो मेरा केस था चैनल से जुड़ा हुआ। अब वो मीटिंग है उसकी बैंगलोर में, जाना पड़ेगा मुझे। एनीवे पार्टी में तो चलते हैं। चल कम कम कम। वेलकम वेलकम मिस्टर प्रशांत, वेलकम। हेलो समर। मिस्टर चौधरी, मिस्टर प्रशांत। हेलो मिस्टर भारती। किरण। हेलो। हेलो किरण। आप तो चौधरी साहब को जानते ही हैं। ऑफ कोर्स, इट्स एन ऑनर सर। बहुत जॉली हैं। मिस किरण, कम 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 विद मी।
डालेगा। किरण कहाँ हो तुम अभी? मैंने पूछा इस वक्त कहाँ हो तुम? अच्छा घर पहुंचो अभी। हाँ इसी वक्त, मैं सुबह की फ्लाइट से घर आ गया हूं, इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा, पहुंचो। पार्टी कैसी लगी? अच्छी थी। पार्टी में लोग कैसे लगे? अच्छे थे। चौधरी साहब कैसे लगे? अच्छे थे। और चौधरी साहब को तुम? क्या समझती हो, दिमाग से खून दूं मैं? कुछ समझ नहीं सकता, कुछ महसूस नहीं कर सकता? मैं समझना चाहता हूं पार्टी में हुआ क्या है, तुमने किया क्या है? पार्टी में ऐसी क्या तुम्हारी खास मुलाकात हुई चौधरी से कि वो इलेक्शन में मेरी 2 करोड़ से मदद कर रहा है? हाँ प्रशांत, तुम जो समझ रहे हो वो सच है, तुम जो सुनना चाहते हो वो हुआ है मेरे साथ। लेकिन इसका पूरा दोष तुम मुझे क्यों दे रहे हो? उस वक्त उस माहौल में उन लोगों के बीच जब तुमने मुझे अकेला छोड़ा था, तब क्यों नहीं सोचा तुमने कुछ? मैं तुम्हें छोड़ के गया था क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा था। प्रशांत, मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ रही थी। हाँ, फिर? वक्त हालात जैसे बनते गए मैं वैसा करती गई, और उस वक्त सबकी बातों से बहुत साफ था कि चौधरी साहब की मदद के बिना तुम इलेक्शन नहीं जीत पाओगे। कुछ शराब के नशे का दोष था और कुछ तुम्हारा प्यार। प्रशांत, उस वक्त मुझे तुम्हारे करियर के सिवाय और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। जिंदगी नहीं देखी उस वक्त तुम्हें मेरी? तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारे प्यार, तुम्हारे विश्वास से बढ़कर मेरे लिए मेरा करियर है? किरण, मेरी सारी पूंजी, सारी धरोहर तुम हो, कैसे भूल गए तुम ये? प्रशांत, उस वक्त तुम्हारे आंसू देखकर
तुम्हारे माँ के बारे में? माँ मर चुकी है मेरी, उसकी आत्मा ब्रह्मांड में लीन हो चुकी है। तुम हो तो सपने हैं, मेरा जमीर जिंदा है। किरण, तुमसे बढ़कर मेरे लिए मेरा फ्यूचर करियर कैसे हो सकता है भला? एक बात तो सोचा होता। I'm sorry, प्रशांत। तुमने मुझे इतना नीचे गिरा दिया है ना कि मैं लोगों की नजरों में भले ही कितना ऊपर उठ जाऊं, अपनी नजरों में तो कभी नहीं उठ पाऊंगा मैं। अभी तुम हो कम सिन, अभी दिल न मांगो, कहीं खो दोगी तुम मेरी बात मानो, मेरी बात मानो। कम सिन तो है पर नादा नहीं है, दिल हमको दे दो ऐसे न डालो, मेरी बात मानो। हे 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 आहा हा हा। हेलो। हेलो, हाँ किरण बोलो। प्रशांत, आज हमारे रिश्ते ने एक नया मोड़ लिया है। क्या मतलब? गेस व्हाट। अरे बाबा, मुझे मीटिंग में पहुंचना है, मैं पहले ही बहुत लेट हो गया हूँ, इतना ही टाइम नहीं मेरे पास गेस वर्क करने का। प्रशांत, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? अच्छा हाँ, बोलो बोलो। I'm pregnant. मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। प्रशांत, आर यू देयर? हेलो, क्या कहना चाहते हो तुम? नहीं नहीं, तुम ये कहना चाहते हो कि हम जैसों की अपनी जिंदगी, अपनी खुशी कोई मायने नहीं रखती है। अरे तो मैं कौन सा आसमान पे जाके बैठ गया हूं, यही हूं ना जमीन पर। मीडिया मीडिया मीडिया, अरे तो हम जैसों को क्या सांस लेने के लिए भी मीडिया की परमिशन लेनी पड़ेगी? नहीं देखो अरुण, मैंने जो डिसीजन लेना था ले लिया है, अब मुझे किसी बात की परवाह नहीं है, बात खत्म। बात क्या है प्रशांत, क्या हुआ है? वो कुछ नहीं, मेरा एक दिल्ली का दोस्त है अरुण, जर्नलिस्ट है। देखो किरण, क्या है ना, मैं अपने करियर के लिए इस बच्चे की बलि नहीं दे सकता हूं। ये बच्चा हमारी जिंदगी है, हमारे प्यार की निशानी है। मगर प्रॉब्लम क्या है प्रशांत? मैंने अरुण से कह दिया था कि हम लोग शादी करने वाले हैं, अब उसका कहना यह है कि इस न्यूज से मीडिया के कान खड़े हो सकते हैं, वो लोग सूंघ सकते हैं कि हम लोग अचानक शादी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम शादी से पहले प्रेग्नेंट हो। उसका कहना है कि इस खबर से मेरी इमेज को नुकसान पहुंच सकता है, मेरे करियर को नुकसान पहुंच सकता है, मैं इलेक्शन में हार सकता हूं। मैंने भी उससे कह दिया,
जो होना है हो जाए, भाड़ में जाए। जिंदगी से बढ़ के कुछ होता है क्या? अरुण जो कह रहा है ठीक ही तो कह रहा है, और मीडिया की पावर को तो तुम अच्छी तरह जानते हो। हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, सब कुछ बिगड़ जाएगा प्रशांत, और मैं सब कुछ देख सकती हूँ, तुम्हें हारते हुए नहीं देख सकती। अरे तो मैं क्या करूं? I'll get myself about it. प्रशांत भारती अपने नियरेस्ट कैंडिडेट राजेंद्र देसाई से 40,000 वोटों से जीत चुके हैं। धन्यवाद। मुबारक हो, मुबारक हो चौहान साहब, क्या बात है। हमारे नेता चौहान साहब की। मित्रों, ये जीत हमारी अपनी जीत नहीं है, ये जीत है हमारी एकता की, हमारे संगठन की और हमारे उसूलों की, हमारे पार्टी के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता की निष्ठा और उनकी कर्मठता का परिणाम है इतनी बड़ी जीत। और आज के इस मौके पर सिंह साहब तो मेरी बेटी को जानते हैं, लेकिन आप सबसे भी मैं मिलवाना चाहता हूँ। अरे नया बेटा। जी दादी। बेटा वहाँ क्या कर रही हैं? यहाँ आइए, वहाँ तो देखभाल करने के लिए वेटर्स है ना। डैडी कुछ वेटर्स ऐसे हैं जिन पे स्पेशल ध्यान देना पड़ रहा है। देखा चौहान साहब, एक ही बात से बता दिया आपकी बेटी है। खुश रहो बेटी, कैसी हो? ठीक हूँ। बेटी तुम्हें मेरे कुछ दोस्तों से मिलवाता हूँ। एक्सक्यूज मी प्लीज। ये हैं श्रीनाथ जी। जी नमस्ते। पार्टी में काफी योगदान है इनका। और ये हैं झा साहब। नमस्ते। टुडे टाइम्स के संपादक हैं। और ये हैं महिला संगठन की अध्यक्षा सुषमा जी। नमस्ते। और ये हैं हमारी बेटी साहिबा। भाई दुनिया में किसी भी बड़े संगठन या किसी भी बड़े अधिकारी से मैं लड़ सकता हूँ, जिरे करने में हम किसी भी बड़े वकील को मात दे सकते हैं, लेकिन हारते सिर्फ इनकी माँ से थे। और अब ये अधिकार इनका है, वह इनके फरमान के आगे हम अपील करने की हिम्मत ही नहीं कर सकते हैं। डैडी आप बोलते हैं ना तो बस बोलते ही रहते हैं। अभी ये सोलंकी साहब, अरे बेहतरीन कुंडली लेकर जन्मे है ये। एक बहुत बड़े पूंजीपति की लड़की की मांग में सिंदूर भरकर इन्होंने अपनी लाइफ बना ली, और दहेज में मिली राज्यसभा की सदस्यता। क्या बात है। और फिर हमारी पार्टी जुड़ गए और जीत गए इलेक्शन, और अब इनका टारगेट है फाइनेंस मिनिस्टर बनना। और देख लेना, बन जाएंगे ये फाइनेंस मिनिस्टर। इनकी कहानी सुनकर तो हमें ये सीख मिली कि मंजिल पाने के लिए हमें किसी करोड़पति की बेटी से शादी कर लेनी चाहिए और मंजिल जेब में रख लेनी चाहिए। आज सुबह ही आ गया, सब काम हो गया। तो मैं मिस्टर प्रशांत। हेलो मिस्टर प्रशांत, कैसे हैं? बस बढ़िया। कैसे हैं प्रताप जी? जी बस ठीक हूँ। खाना वाना हुआ? अभी कहाँ सर। आप पार्टी के इतने सीनियर लीडर हैं, अगर आप शुरू नहीं करेंगे तो कौन करेगा? चलिए शुरू कीजिए। जाइए गुप्ता जी। चलिए चलिए आप भी शुरू कीजिए। चलिए आप लोग भी। चौहान साहब आप प्रशांत जी से बात कीजिए, मैं अभी आया। बिल्कुल बिल्कुल। हाउ आर यू सर? कैसे हो प्रशांत? बस बढ़िया। मेरी बेटी से नहीं मिले हो? ये है मेरी बेटी नेहा। प्रशांत भारती। सर आपको फोन। अच्छा एक्सक्यूज मी प्रशांत जी, आप लोग बात करिए, मैं अभी आता हूँ। जी सर। आपको अपना परिचय देने की जरूरत नहीं थी, आपको कौन नहीं जानता। मेंबरशिप ले जब पापा ने आपका नाम लिया था तो मैंने आपको 100 मार्क्स दिए थे। अरे वाह, ये तो आपने मुझ पर अनजाने में एहसान कर दिया। जी नहीं, ये आपकी अपनी काबिलियत और पहचान की वजह से हुआ है। मीडिया में रहकर आपने अपनी अलग पहचान जो बनाई है। कोल्ड ड्रिंक सर। थैंक यू सो मच। अरे आप ड्रिंक नहीं ले रहे? ले तो रहा हूँ, ये क्या है? नहीं मेरा मतलब है। अच्छा तो आपका मतलब है विस्की रम वगैरह। जी नहीं मुझे शौक नहीं है। वैसे भी नेहा जी मेरा मानना है कि जिंदगी में अपने आप इतना नशा है जिससे मैं भरपूर इंजॉय करता हूँ। अब उस नशे की खुमारी को मैं ये विस्की वगैरह पीकर तोड़ना नहीं चाहता।
मंजिल पाने के लिए हमें किसी करोड़पति की बेटी से शादी कर लेनी चाहिए और मंजिल जेब में रख लेनी चाहिए। किरण, तुम खुद समझदार हो, जिंदगी में अपना अच्छा बुरा खुद सोच सकती हो, लेकिन बेटा मैं भी तो एक माँ हूँ और तुम्हारे लिए फिक्रमंद होना मेरा भी जायज़ है। अब तुम प्रशांत के साथ रहने लग गई हो, इसलिए मेरे ख्याल से अब तुम्हें प्रशांत से अपनी शादी की बात कर लेनी चाहिए। माँ, आप खामखा परेशान हो रही हो, हम शादी कर लेंगे, एक बार गवर्नमेंट बनने तो और प्रशांत की पोजीशन क्लियर हो जाए। इलेक्शन, गवर्नमेंट, पोजीशन, जिंदगी में इन फैसलों से बढ़कर और भी तो कुछ होता है। लोग मुझसे तुम्हारे रिश्ते के बारे में सवाल करते हैं, जवाब तो मुझे देना पड़ता है। बेटा, ऐसे मामले में ज्यादा लापरवाही ठीक नहीं। माँ, मैं प्रशांत से बात करूंगी। क्या सोच रही हो किरण? प्रशांत, हम दोनों शादी कब कर रहे हैं? अब तो इलेक्शन भी हो गई है, तुम जीत भी चुके हो, और जहाँ इतना सब कुछ ठीक हो रहा है, आगे जाके भी सब कुछ अच्छा ही होगा ना। चलो उठो, ये लाल साड़ी पहन लो, हम अभी शादी करेंगे। प्रशांत, ये कम ऑन, गेट रेडी। हेलो, हाँ रमन जी। मैं एक घंटे में लाल चौक वाले नारायण मंदिर पे पहुंच रहा हूँ, तुम एक पंडित को लेकर वहाँ पहुंचो, हम शादी कर रहे हैं। शादी कर रहे हैं? हाँ हाँ। प्रशांत, गेट रेडी, गेट रेडी, आई सेड। चलो उठो, बस बहुत हो गया, खत्म करो ये ड्रामा, हम शादी कब कर रहे हैं, हम शादी कब कर रहे हैं। कान पक गया सुन सुन के। मैंने भी डिसाइड कर लिया है, मंगलसूत्र पहनो, सिंदूर डालो, चैप्टर क्लोज्ड। प्रशांत, मेरा मतलब ये नहीं था। देखो, यहाँ पार्टी की पॉलिटिक्स समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, कौन गले मिल रहा है, कौन गला काट रहा है, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, ऊपर से शादी। प्रशांत, मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारी पार्टी में इतनी मुश्किलें चल रही हैं, मुझे माफ कर दो, शायद मैंने गलत वक्त पर। नहीं ठीक है, आई एम सॉरी, मैं भी शायद गुस्से में कुछ ज्यादा बोल गया। कॉफी पियोगी? हाँ प्रशांत, बोलो। सर, वो समरजीत सिंह से पार्टी के वर्किंग पॉलिसी के बारे में डिस्कस हुआ था, वो राइटअप मैंने तैयार कर लिया है, आपको मिलकर दिखाना था। ठीक है, 2 बजे मेरे घर आ जाओ। ओके, ओके सर, ओके, थैंक यू। कुछ देर के लिए मुझे डिस्टर्ब मत करना। प्रशांत, ये फाइल मैंने देख ली है। जी, बहुत अच्छा लगा मुझे, इसमें से कुछ पॉइंट्स मुझे बहुत पसंद आए हैं। ये यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए जिस पैकेज की तुमने बात की है ना, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। हेलो, हाँ बेटा, हाँ कल जरूर आऊंगा। ओ माय गॉड, कल है तुम्हारा शो बेटा? मेरे तो दिमाग से ही निकल गया, शायद पीए को भी लिखाना भूल गया हूं मैं। आई एम रियली सॉरी बेटा, लेकिन कल तुम्हारे शो में नहीं पहुंच पाऊंगा मैं। बेटा, मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है दिल्ली में, आई कैन नॉट मिस दैट मीटिंग। आई नो, लेकिन मेरा अच्छा बेटा अपने बाप की भूलने की आदत भी जानता है और उनकी जिम्मेदारियां भी समझता है ना? हेलो, हेलो,
क्या हुआ बेटा? प्लीज बेटा डोंट माइंड, अगली बार मैं ख्याल रखूंगा. ओके थैंक यू बेटा. वैसे ये राजनीतिक जीवन भी कितना उलझा हुआ है, आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन से भी बिल्कुल कट जाता है. नेहा एक बहुत अच्छी क्लासिकल डांसर है. ओह, कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए वो एक चैरिटी शो कर रही है. एज अ चीफ गेस्ट मुझे वहां जाना था, लेकिन खैर ऐसे लॉसेस जिंदगी में तुम्हें भी उठाने पड़ेंगे. वैसे शादी वादी कब कर रहे हो तुम? कोई लड़की समझ में आई? जी एक समझ में आई तो है, लेट्स सी. नेहा जी अंदर आ सकता हूँ? अरे प्रशांत जी आप आइए ना, ये आपके लिए है. थैंक यू. आज का प्रोग्राम अगर मिस हो जाता तो एक बहुत बड़े कलाकार की कला को देखने से वंचित रह जाता. नहीं नहीं मैं कोई बहुत बड़ी कलाकार नहीं हूँ, बस तालीम ले रही हूँ. देखिए संगीत थोड़ा बहुत मैं भी समझता हूँ, आपकी परफॉर्मेंस को देखकर ये समझ पाना मुश्किल था कि तबले की थाप पर आपके कदम चल रहे हैं या आपके कदमों के इशारे पर तबला. बस बस आप तो कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं. देखिए ये भी एक सच्चे कलाकार का बड़प्पन है. कलम के हथियार को लेकर राजनीति में आया मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, अगर आपकी कला ने मुझे छुआ है तो इसमें जरूर कोई गहराई होगी. ये मेरा कार्ड है, आप रख लीजिए, कभी मन करे तो फोन कीजिएगा. चलता हूँ, बाय बाय. हेलो. हेलो. अरे नेहा जी कहिए कैसे याद किया? अरे आपने कैसे जान लिया? देखिए कुछ लोगों की आवाज इतनी खूबसूरत होती है कि एक बार इंसान सुन ले तो भुला नहीं सकता, और कुछ लोगों के चेहरे ऐसे होते हैं कि एक बार देख लिया जाए तो. खैर आप में तो दोनों का संगम है, पर सवाल ये है कि आपकी उंगलियों ने मेरा नंबर कैसे डायल कर दिया? एक सेकंड होल्ड कीजिए. हेलो. हाय प्रशांत कैसे हो? आज हम डिनर पे कहाँ जा रहे हैं? वो मेरी ऑफिस में कुछ जरूरी मीटिंग निकल आई है, तुम कर लो डिनर. ठीक है. ये अचानक कौन सी मीटिंग आ गई? अब आ गई एक मीटिंग, तुम जानती हो काम कैसे होता है, यू नो माय प्रोफेशन. अच्छा सुनो मैं अभी फोन पर किसी से जरूरी बात कर रहा हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ. ओके. नहीं प्रशांत मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी. हाँ नेहा जी कहिए कैसे याद किया? बस यूं ही. अच्छा यूं ही, चलिए आपके यूं ही को एक मीनिंग दे देते हैं. कल दोपहर में आपका लंच का क्या प्रोग्राम है? ठीक है तो आप लंच मेरे साथ कर रही हैं. लंच पर? Mm-hmm.
जीवन को हम मित्र बनाएं, हर पल उसके साथ बिताएं, इसी को समझें, इसी को जानें, सत्य यही है इसको माने। हाथ में है जो वो पल अपना, गुजर गया जो वो था सपना, जो सपना था उसे भुलाए, जीवन को हम मित्र बनाए। वाह, कितनी गहराई है इस कविता में। इस कविता का हर लफ्ज, हर लाइन जिंदगी को समझने के कई रास्ते खोलती है। किसने लिखी है यह कविता? प्रशांत ने। डैडी, प्रशांत खुद भी इस कविता की तरह ही है। सिर्फ दो बार मिली हूँ, लेकिन ऐसा लगता है जैसे बहुत पुरानी दोस्ती है। तब ये बताओ कि इस प्रशांत रूपी कविता का तुम पर कितना असर हुआ है? क्या इतना असर हुआ है कि एक बाप की हैसियत से मुझे सोचना पड़े? डैडी, पहले मुझे तो सोचने दीजिए। हेलो, हाँ नेहा, वो तुम्हारे वो पब्लिशर का पता मिल गया है, वो किताब तुम्हें मिल जाएगी। ओके ओके बाय। ये नेहा चौहान साहब की बेटी है ना? हाँ। कौन सी किताब चाहिए उसे? वो डॉक्टर जकारिया की लिखी हुई, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। और उसने तुम्हें ही क्यों चुना ये किताब तलाशने? प्यार हो गया उसे मुझसे, दीवानी हो गई है मेरी, मुझसे बात करने के लिए बहाने तलाशती रहती है। यही सब आया था ना तुम्हारे दिमाग में? तुम लड़कियों का भी ना बस। अरे बाबा, पार्टी प्रेसिडेंट की लड़की है, उनके घर में मेरा आना जाना है। कहीं मेरे मुंह से निकल गया होगा कि संगीत की थोड़ी बहुत समझ मैं भी रखता हूं, तो उसने काम बता दिया। मैंने कहा चलो कर देते हैं, तुम इस उलझन से निकलो, चलो जूस पियो। और मशहूर पत्रकार प्रशांत भारती ने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के रूप में आज शपथ ग्रहण की। आई लव दिवाली। Enjoy? Yeah, definitely. Hello? Hello, ma'am, मैं रवि। हाँ रवि, बोलो। मैम, ये पूछना था कि सर घर पहुँचे क्या? नहीं। एक्चुअली मैं उनका काफी देर से फोन ट्राई कर रहा हूँ, लग ही नहीं रहा है। पता नहीं, इतने फोन आ रहे हैं और खुद का फोन ऑफ करके रखा है। मैम, जैसे ही वो घर पहुँचे तो उनसे कहिएगा कि हम लोग ऑफिस में उनका वेट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। ओके, हैप्पी दिवाली मैम, बाय। थैंक यू, बाय बाय। हेलो, कौन पाइजे? जी, मैं प्रशांत भारती के यहाँ से बोल रही हूँ, क्या वो वहाँ है? प्रशांत सर जी, हाँ एक मिनट देते हो। प्रशांत दूर रहो, जा जाओगे प्रशांत? मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, अब यहाँ आया हूँ तो एक दो हाथ ताश के तो खेलने पड़ेंगे ना। ठीक है प्रशांत, तुम खेल लो, जब खेल खत्म हो जाए तो घर आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अच्छा ठीक है। कांता भाई फोन। प्रदीप नारंग बोल रहा हूँ, वेयर आर यू? अबे दो दिन से मैसेज छोड़ रहा हूँ, कॉल बैक क्यों नहीं कर रहा? बेटा ये दिवाली तो तेरे लिए डबल खुशियां ले आई,
अच्छा ड्राइव डाला तूने नेहा पर, हा? मुझे पता है साले तू किरण की तरह उसको भी चित कर देगा। चल भाई, नई जिंदगी नई खुशियां, मुबारक हो तुझे। लेकिन साले फोन तो कर, दो बैग किरण तलरेजा की बर्बादी पर ही पी लेते हैं। आखिर मन में तो बोझ मेरे भी है ना। देख, किरण को हड़पने में मैंने भी तो तेरा साथ दिया था। नहीं सोच सोच के देख, अगर मिस इंडिया का ताज उसे मिल जाता तो तेरी पहुंच में रहती क्या। चल फोन कर, मिलकर बात करते हैं। क्या हुआ किरण, अंधेरे में क्यों बैठी हो? हाँ
आई एम सॉरी डार्लिंग, मैंने तुम्हें इंतजार करवाया। क्या करूं, सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी, वो चौहान साहब को मैं मना ही नहीं कर पाया। हैप्पी दिवाली माय लव। वैसे इस लाल साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। ए, प्रदीप नारंग बोल रहा हूं। वेयर आर यू? अबे दो दिन से मैसेज छोड़ रहा हूं, कॉल बैक क्यों नहीं कर रहा? बेटा ये दिवाली तो तेरे लिए डबल खुशियां ले आई। अच्छा ड्राइव डाला तूने नेहा पर, हां? मुझे पता है साले तू किरण की तरह उसको भी चित कर देगा। अच्छा अच्छा, तो आखिर अपनी जात पर उतर ही आए। वो तुम्हारे कॉन्टेस्ट को लेकर मैंने बहुत बातें सुनाई थी ना इसे, इसलिए। और अब जानता है मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मैं पावर में हूँ। तो ये नया ड्रामा रचा है इन्होंने, चाहता है नेहा को लेकर तुम में मुझ में कोई झगड़ा हो, कोई कंट्रोवर्सी हो, कोई मेरी इमेज खराब हो। फोन कर, मिलकर बात करते हैं। दूर पड़ी है मंजिल तो क्या, पग पग पर है मुश्किल तो क्या, राहों में कांटे गड़े हैं तो क्या, पांव में छाले पड़े हैं तो क्या, राहों को हम राह बनाए, जीवन को हम मित्र बनाए। प्रशांत आप खुद भी इस कविता की तरह ही है। अभी भी कुछ कहना है तुम्हें? अब तुम ये कहोगे कि प्रदीप नारंग ने जो तुम्हारे खिलाफ साजिश रची थी उसमें नेहा का भी हाथ था। वाह, झूठ बोलने का एक और मौका। हाँ किरण देखो। नहीं प्रशांत, कुछ नहीं दिखा पाओगे तुम। बहुत कुछ देख चुकी हूँ मैं और बहुत कुछ दिखा चुके हो तुम। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस दिया है तुमने मुझे। अगर तुम ना मिलते ना तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि इंसान किस हद तक गिर सकता है। मगर मुझे ये अनुभव देकर तो तुमने मेरी जिंदगी ही ले ली प्रशांत। किरण मेरी बात तो सुनो तुम। वाह, इस खूबसूरत और डिसेंट चेहरे के पीछे क्या चेहरा निकल कर आया है। प्रशांत भारती, मीडिया वर्ल्ड में एक जगमगाता हुआ नाम, देश और समाज से भ्रष्टाचार और झूठ मिटाने का संकल्प लिए हुए एक साहसी, सच्चा और समझदार पत्रकार, लोगों के दिलों में एक हीरो, महानायक। उन्हें क्या पता कि जिसे वो महानायक समझते हैं उसके पीछे एक गंदा दिल और घिनौना दिमाग लिए हुए शैतान छिपा हुआ है। वो शैतान जो बड़े से बड़ा शैतान को भी छोटा दिखा दे। किरण, शट अप। किरण, आई डोंट वांट टू हियर माय नेम फ्रॉम यू। इस नाम की किताब को तुमने बहुत ही बेरहमी से जलाकर राख कर दिया है। कुछ नहीं छोड़ा प्रशांत, कुछ नहीं। मैं जब से तुम्हें मिली हूं तुमसे अलग और तुमसे ऊपर उठकर मैंने कुछ नहीं सोचा। मेरी जिंदगी की हर खुशी, हर फैसले में तुम जुड़े हुए थे साथ। तुम्हारी किसी भी बात को हां बोलने से पहले मैंने एक पल नहीं सोचा। तुमने जब जो जैसा चाहा मैंने वैसा किया, और मैंने भी पागलों की तरह होने दिया। मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करती रही और तुमने मेरी भावनाओं को कुचल दिया। अरे मैंने तो तुम्हें विश्वास दिया और तुमने मुझे धोखा, एक एक करके सब कुछ छीन लिया मुझसे। और जब तक मैं समझ पाई तब तक इस जिंदगी की इमारत को तुमने विश्वासघात के बारूद से बर्बाद कर दिया था प्रशांत। ये सब कुछ तुमने पूरी स्कीम, पूरी प्लानिंग के साथ किया। सबसे पहले तुमने मुझसे मेरा करियर छीना, फिर मुझे मेरे मकसद से हटाया क्योंकि तुम्हें अपना मकसद पूरा करने के लिए मेरा इस्तेमाल करना था। ऊंचाई तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक सीढ़ी की जरूरत थी और वो सीढ़ी मैं बनी। और इतना सब कुछ करते हुए प्रशांत, तुम्हें एक बार भी ये रियलाइज नहीं हुआ कि एक लड़की जो तुम्हें इतना प्यार करती है, तुम पर विश्वास करती है, तुम्हारा फ्यूचर बनाने के लिए तुम्हारी मदद कर रही है, जब उसको तुम्हारी असलियत का पता चलेगा तो उस पर क्या गुजरेगी प्रशांत। तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया प्रशांत, सब कुछ। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरा कैरेक्टर, मेरा करियर, यहाँ तक कि मुझसे माँ बनने का सुख भी। मुझे पूरी तरह बर्बाद करके अब तुम अपना जाल नेहा पर डाल रहे हो, क्योंकि अब तुम्हारी नजर किसी नई ऊंचाई, किसी नए मकसद पे है जिसके लिए तुम सीढ़ी नेहा को बना रहे हो। हाँ हाँ, जो तुम कह रही हो वो सब सही है, मैंने वही सब किया जो तुम कह रही हो। तुम्हें इस्तेमाल करना मेरी स्कीम में था। इनफैक्ट जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी ये प्लान मेरे दिमाग में बैठ गया था। मैं जानता था कि एक खूबसूरत हाई फ्लाइंग मॉडल की दोस्ती उस फील्ड में जहां मैं अपना करियर बनाना चाहता हूँ मेरे बहुत काम आएगी। और मेरा अंदाजा कितना सही था, तुम मेरे बहुत काम आई। मेरे सर्कल में ज्यादातर लोगों की दोस्ती मेरे साथ इसलिए हुई क्योंकि तुम मेरी दोस्त थी। खूब फायदे उठाए मैंने, कहीं कोई मौका नहीं छोड़ा। आज मेरा एक नाम है, एक पहचान है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रशांत भारती। और मैं मानता हूं कि मुझे यहां तक पहुंचाने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है।
लेकिन अब मैं ये भी मानता हूं कि मेरा इंटरेस्ट तुम में अब रहा नहीं, क्योंकि अब मेरी नजर जिस ऊंचाई पर है वहां तक पहुंचने के लिए नेहा को सीढ़ी बनना पड़ेगा। समझना है कुछ और, सुनना चाहती हो कुछ और? मैं ऐसा ही हूं। प्यार, विश्वास, रिश्ते, फीलिंग्स, ये सब वर्ड्स मेरी डिक्शनरी में नहीं है। मेरे लिए इन लफ्जों के कोई मायने नहीं है। हाँ, मेरे लिए जिन लफ्जों के मायने हैं वो है मकसद, पावर, पैसा। और बचपन से यही लफ्ज मेरी रगों में खून बनकर दौड़ रहे हैं, क्योंकि मैंने एक ईमानदार और सच्चे इंसान को नर्क भोगते हुए देखा है। समाज और देश के लिए कुछ करने का संकल्प पालने वाले को मैंने एक सरकारी अस्पताल में एक बोतल ग्लूकोज के लिए तरसते हुए देखा है, और उस शख्स की जिंदगी के लिए उसकी पत्नी को लोगों के सामने भीख मांगते हुए देखा है। सत्य प्रकाश भारती है मेरा बाप। गांधी, बुद्ध और परमहंस के आदर्शों को तकिया के नीचे रखकर सोता था वो। सारे संसार के दुख को अपना दुख समझता था वो। एक अभिशाप की तरह बंध गया था वो मेरी मां के पल्लू से। किरण, तुम नहीं जानती, जरूरत, भूख, तंगी, गरीबी, इन सब में आंखें खोली है मैंने। मेरा पूरा बचपन रोते रोते गुजरा है, और बहुत बहुत दुख उठाए मेरी माँ ने। देखो, मेरा बाप एक ऐसा शख्स था जो अपने लिए जिया और अपने लिए ही मर गया। उसने कभी बाप बनकर बेटे के मन में नहीं झांका, और ना ही कभी पति बनकर अपनी पत्नी की आंखों के दर्द को पढ़ा। हाँ, हूं मैं ऐसा, क्योंकि मुझे अपने बाप जैसा नहीं बनना था। जैसे मैंने अपने बाप की चिता को आग दी, मेरी आंखों में कोई दर्द नहीं था, क्योंकि वो मेरे लिए कभी जीवित ही नहीं थे। उनकी चिता को आग देकर मुझे बहुत संतोष मिला, बहुत चैन मिला मुझे, क्योंकि मैं उनके साथ साथ सच्चाई, ईमान, उसूल, आदर्श, ये सब भी जलाया था। अपने बाप के साथ साथ इन सब को भी राख कर दिया था मैंने। मगर अब मुझे कोफ्त हो रही है, नफरत हो रही है अपने आप से। मैं मानता हूं मैं गलत हूं, मुझे दर्द किसी और ने दिया और मैं घाव किसी और को दे रहा हूं। कल तुम थी, आज नेहा है, कल कोई और होगी। कहां जाकर रुकूंगा मैं? क्या पाना चाहता हूं? कितना पाना चाहता हूं? और सब मिल जाने पर क्या मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी? किरण, मैं गुनहगार हूं तुम्हारा, और ऐसा गुनाह जिसके लिए जितनी सजा मिले कम है। मेरा केस ना तो किसी अदालत में जाएगा, ना ही इस पर दो वकीलों में जिरह होगी, और ना ही कोई जज फैसला सुनाएगा। इस केस का फैसला मैं अभी कर देता हूं। प्रशांत जी, तुम क्या कर रहे हो? मैं कहती छोड़ो इसे। छोड़ो मुझे। प्रशांत छोड़ो। प्रशांत, तुम्हें मेरी कसम, छोड़ो इसे। बस, लीव इट। प्रशांत आओ बैठो। प्रशांत, इतना सब कुछ बिगड़ गया और तुमने मुझे कुछ बताया तक नहीं। अगर कभी बताया होता आज हम इस हाल में ना होते, ना मेरा दिल दुखता और ना तुम्हें अपने आप से नफरत होती। जो बिगड़ गया सो बिगड़ गया, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आगे जो बिगड़ सकता है उसे तो बचा सकते हैं। कल को भुलाकर भी जिया जा सकता है प्रशांत। I'm sorry, किरण। लोग शादी कर लें क्या? क्या हो रहा है किरण? अरे, तुम कॉफी बना रही हो? हाँ, मैंने कॉफी बनानी सीख ली। किरण, कुछ दिनों के लिए मैं बाहर जाना चाहता हूँ। इस शहर की
इमारतें, सड़कें, चेहरे सब भूलना चाहता हूं। तो चलो चलते हैं। कहाँ जाना चाहोगी? हम हर वक्त मेरी पसंद की जगह पर जाते हैं, इस बार जहां तुम चाहो। अच्छा ठीक है, आओ बाहर बैठ के कॉफी पीते हैं। पगला है। आओ किरण, आओ। ये कैसी जगह प्रशांत? डरो नहीं, बढ़िया जगह है। हाँ चलो, कल सुबह हम लोग मंदिर में शादी कर लेंगे। ओके, ये पारसियों का एक बंगला है जिसे इन्होंने गेस्ट हाउस में कन्वर्ट किया है, मैं यहाँ अक्सर आता रहता हूँ। मगर तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो प्रशांत? अरे बाबा, ये जगह जो है ना मंदिर के नजदीक है, इसलिए लेकर आया हूँ। एक्सक्यूज मी, कोई है अंकल? अंकल प्रीतम आन मिला, प्रीतम आन मिला, प्रीतम प्रशांत कुत्ता हमारा है, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन। अंकल जी, गाड़ी में कुछ लगेज है, भिजवा देंगे प्लीज? अभी भिजवाता हूँ। थैंक यू। किरण, एक और कुत्ता। कहाँ? ओ वहाँ। प्रशांत। अरे बाबुल मरा। अंकल के हाथ के चिकन की क्या बात है, कमाल है। फिर अंकल पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। वाकई बहुत स्वाद है। सोच समझ के खाना, कहीं ऐसा ना हो कि सुबह आंख ही ना खुले। किरण सो जाओ, सुबह मंदिर जाना है। हाँ कल सुबह मंदिर जाना है। ओ गॉड, इसका मतलब जल्दी उठना पड़ेगा। हाँ, 1.5-2 घंटे लगेंगे पहुंचने में। क्यों, हम लोग पैदल थोड़ी ना जा रहे हैं, हम तो घोड़े पे जाएंगे। घोड़े नहीं जाते वहाँ पे। क्यों, सब लोग पैदल जाते हैं क्या? नहीं, लोग नहीं जाते वहाँ पर, मेरा मतलब है कम लोग जाते हैं। दरअसल वो मंदिर यहाँ के सिर्फ लोकल लोगों को पता है, और रास्ता इतना मुश्किल है कि टूरिस्ट भी नहीं जा पाते वहाँ पर। तो वहाँ पहुँचने में हमें भी बहुत तकलीफ होगी। हाँ होगी तो, मगर वहाँ पहुँच के तुम उस मंदिर को देखोगी ना तो अपनी सारी तकलीफें भूल जाओगी। अच्छा। सो जाओ अब। गुड नाइट। गुड नाइट। किरण तलरेजा डाइज इन एन एक्सीडेंट। किरण तलरेजा, एक हादसा। प्रशांत, और अब कितना दूर है? हाँ थोड़ा दूर तो है, इस बार रास्ता कुछ ज्यादा ही खराब है। अगर तुम्हें चलने में प्रॉब्लम हो रही है तो उस तरफ से एक और रास्ता है, पर वो बहुत लंबा नहीं, है। नहीं नहीं ठीक है, जब तक तुम साथ हो रास्ता कैसा भी हो कट जाएगा। केयरफुल। हाँ आओ आओ, स्लिपरी है नहीं, जमा के रखो पाओ। हाँ आ गए, बस आ गए। किरण देखो वो रहा मंदिर, मैंने कहा था ना इसे देखने के बाद तुम सब भूल जाओगी। आओ किरण आओ। थैंक यू। वाओ
बहुत अच्छी जगह पर लेकर आए प्रशांत। किरण तलरेजा, एक हादसा। हाँ प्रशांत, वाकई बहुत खूबसूरत है ये जगह। प्रशांत, हम बहुत ऊंचाई पर हैं, मेरा दिल घबरा रहा है, प्लीज मुझे अपना हाथ दो। किरण, तुमने हाथ नहीं अपनी मौत मांगी। प्रशांत, प्रशांत मुझे चक्कर आ रहे हैं। क्या हुआ? क्या प्रशांत? प्रशांत मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। किरण, क्या हुआ? क्या प्यार, विश्वास, रिश्ते, फीलिंग्स, ये सब वर्ड्स मेरी डिक्शनरी में नहीं है। मेरे लिए इन लफ्जों के कोई मायने नहीं है। हाँ, मेरे लिए इन लफ्जों के मायने हैं, वो है मकसद, पावर, पैसा। मैं ये भी मानता हूं कि मेरा इंटरेस्ट तुम्हें अब रहा नहीं। प्रशांत, बहुत पहले तुम्हें शांत हो जाना चाहिए था। जाने माने पत्रकार और कर्मठ राजनीतिज्ञ प्रशांत भारती की दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। ये दुर्घटना पंचगिनी से 12 किलोमीटर की दूरी पर हुई है। इस दुखद हादसे की जानकारी हम आपको लगातार देते रहेंगे। आगे खेल समाचार। किरण जी, प्रशांत भारती की मौत से सबको संवेदनाएं हैं और आप तो उनके बहुत नज़दीक रह चुकी हैं। आप उनकी विशेषताओं के बारे में क्या कहना चाहेंगी? विशेषताएं, एक हो तो बताऊं। वो कुशल थे, कामयाब थे, प्रतिभाशाली थे, मगर इन सब से ऊपर उठकर वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। बहुत प्यार था उनके दिल में लोगों के लिए, खासकर की औरतों के लिए। औरतों के लिए बहुत सम्मान था उनके दिल में। किरण जी, अब आप उनके मकसद और सपनों को किस तरह आगे बढ़ाएंगी, क्या सोचा है आपने? इस धरती पर ऐसे हजारों लाखों प्रशांत होंगे जिनके अंदर ऐसे ही सपने पल रहे होंगे, और मेरी जिंदगी का मकसद ये है कि प्रशांत जैसे लोगों को ढूंढना और उन्हें उनकी मंजिल, उनके मकसद तक पहुंचाने में उनकी मदद करना। और मुझे विश्वास है कि इस सफर में मैं अकेली चली तो हूँ, लेकिन आगे जाके कई किरण मेरे साथ होंगी। ये ऐसा उत्थान है, आईना ही जिसकी पहचान है। ये दिल की उड़ान है, अंजाम जिसका अरमान है। ये ऐसा उत्थान है, मंजिलों की दूरी दूरी नहीं है, सीधी राहें टेढ़ी नहीं है। हो आंखों में सपने है घर तुम्हारे, उतरेंगे एक दिन जमीन पे सितारे। हर पल नई उम्मीदों का है ये कारवां। ये ऐसा उत्थान है, मुकम्मल जहां को पाना जो चाहे, हौसला न हारे बढ़ता ही जाए। हो कदमों में मंजिल होगी
चांदी से शोहरत कर ये इशारे, छूले मुझे होंगे तेरे जमी आसमां। ये ऐसा उत्थान है आई नहीं जिसकी पहचान है, ये दिल की उड़ान है अंजाम जिसका अरमान है, ये ऐसा उठा।